18 में कह रहे हैं एक्सपेंसेस अक्रूड 250 वर ट्रीटेड एज अ प्री पेमेंट इन इनकम स्टेटमेंट. क्या कहता है जी? एक्सपेंसेस अक्रूड थे और हमने उसको ट्रीट कर लिया एज अ प्री पेमेंट. क्या मतलब? अक्रूड एक्सपेंस को ट्रीट कर लिया प्री पेमेंट, सही है ना जी? तो क्या कर लिया हमने, उल्टा हो गया हिसाब किताब. चेक करें अक्रूड. भाई देखो, पहली बात तो ये हमने अक्रूड को रिकॉर्ड नहीं किया. क्या किया भाई? अक्रूड को रिकॉर्ड नहीं किया. भाई डी किसका बता रहे हो? डी तो गलत है आंसर. पहली बात है हमने जो है वो 18 का बता रहे हो अक्रू. यार देखो, ये होता अगर हम अक्रूड रिकॉर्ड ना करते तो क्या होता? हाँ, अगर हम अक्रूड रिकॉर्ड ना करते, यार मुझे बताओ, अक्रूड ईयर एंड पे प्लस होता है या माइनस होता है? अक्रूड ईयर एंड पे प्लस होता है. एक्सपेंस को हमें बढ़ाना चाहिए था, एक्सपेंस को हमने नहीं बढ़ाया, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो गया? ओवर हो गया. पहली बात, अक्रूड ना डालने की वजह से प्रॉफिट 250 से ओवर हो गया. उसके बाद हमने उसको जो है वो डी नहीं है इसमें स्माइल, ये आंसर आ रहा है बी. ये ओवर स्टेटमेंट है, अंडर स्टेटमेंट नहीं है, ओवर स्टेटमेंट है. और हमने उसको प्रीपेड ट्रीट किया. भाई देखो, दो गलतियां. पहले हमने अक्रूड नहीं रिकॉर्ड किया. जब हम अक्रूड डाल देते तो एक्सपेंस बढ़ जाता, प्रॉफिट कम हो जाता. हमने अक्रूड नहीं डाला जिसकी वजह से प्रॉफिट ओवर हो गया. फिर हमने प्रीपेड कर दिया. प्रीपेड में क्या होता है, हम एक्सपेंस को कम कर देते हैं. एक्सपेंस कम करने से हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है, जो है वो एक्सपेंस को कम करने से प्रॉफिट बढ़ जाता है. देखो, हमने उसको ट्रीट किया था प्री पेमेंट, तो प्री पेमेंट ट्रीट करने के वजह से प्रॉफिट और बढ़ गया. तो अगर आप देखो, 500 से हमारा प्रॉफिट ओवर स्टेट हो गया. अरे बस, तो प्रॉफिट अंडर नहीं है, यहाँ पे ओवर स्टेटमेंट है 500. दो दफा हमने प्रॉफिट को क्या किया है, ओवर स्टेट किया. अरे बस, एटीन के बाद बात करते हैं भाई 19 के ऊपर. और 19 में क्या कहता है जी? 19 में कह रहा है विच वुड बी इंक्लूडेड इन सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट.